अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेटवर्क। होप ऑल यू आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंह यूनिवर्सिटी ने काफी इंतजार के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दिया है बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, और उन स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही कंप्यूटर में जब आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे बैचलर मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल में इस तरीके से व्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये थ्री जो लाइन्स लगी हुई है यहाँ पे टिक कर यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज और बता दूं, ये जो इधर पे लिखा हुआ है फोर ऑब्जेक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, ये वो लिस्ट है। मतलब अगर इस लिस्ट में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये ऑप्शन जो है व्यू कैंडिडेट प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे आपने सीएनआईसी लगा के अपने जो है आपने क्या क्या चॉइस रखे थे क्या क्या है वो सारा आपका इन्फॉर्मेशन सीपीएम वगैरह यहाँ पे शो होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी एंटर करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी सिलेक्शन किसमें हुई हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो ये कि आप पूरे डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट चेक कर सकते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट में किस किस की सिलेक्शन हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मेरिट लिस्ट मेरिट गई है वो फर्स्ट जो सीट गई है वो 78 सीपीएम पर गई है, उसके बाद 75 फिर 74, इस तरीके से यहाँ पे नाम वगैरह भी सारे शो हो रहे हैं, और किस कोटा में हुआ हुआ है इनका ये भी हो रहा है, आप कोटा वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब चीज शो हो रहे हैं बिल्कुल पब्लिकली। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी चलान आपके पोर्टल में अवेलेबल नहीं है, चलान पोर्टल में आपके 25 तारीख के बाद से अवेलेबल होंगे, तो ये भी ट्राई करने की जरूरत नहीं कि चलान नहीं आ रहा, चलान नहीं आ रहा, चलान अभी नहीं, क्यों, ये एक ऑब्जेक्शन लिस्ट है, अगर इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन क्लियर करके दोबारा से एक फाइनल लिस्ट लेगी, और होप कि दोनों लिस्टें सेम होती है क्योंकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, पर अगर फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप भले इसमें ऑब्जेक्शन ड्रॉप कर सकते हैं इधर पे ईमेल करके। ठीक हो गया, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑब्जेक्शन, आप ऑब्जेक्शन जो है 24 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं, फिर 25 तारीख से आपके जो है चालान इशू हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो पेमेंट का इन्होंने दिया है कि वो 2 फरवरी 2022 है, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में सबमिट करवाने हैं 4 फरवरी तक। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसमें ये है कि सबसे पहला नोट करने वाली बात यह है कि ये इसमें ये नहीं कि जो सिलेक्शन हुए उनके ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, ये चीजें नहीं है, और दूसरा भी चालान भी इस वक्त इश्यू नहीं हुआ हुआ है, और उन स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन जो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।